आज एक 28x60 का एक हाउस ब्रांड देखेंगे। घर का लंबाई है 60 फीट और इसका चौड़ाई है 28 फीट। ये एक उत्तरमुखी घर का नक्शा है, यानी एक नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान, और ये एक 3BHK हाउस प्लान। ये है घर का फ्रंट साइड और ये है नॉर्थ डायरेक्शन। ये है बैक साइड, ये है साउथ डायरेक्शन, और ये राइट साइड ये वेस्ट डायरेक्शन, और ये लेफ्ट साइड ये है ईस्ट डायरेक्शन। घर का फ्रंट इधर है और घर के सामने एक पोर्टिको है, और ये पोर्टिको का साइज है 13 फीट 2 इंच × 12 फीट 4 इंच। यानी इसका ये जो हॉरिजेंटल लेंथ ये है 13 फीट 2 इंच और ये है 12 फीट 2 इंच, और ये राइट साइड में 7 फीट वाइड का एक स्टेयर केस है ऊपर जाने के लिए। ये है घर का मेन एंट्री डोर और ये है ड्राइंग रूम, और ये ड्राइंग रूम का साइज है 10 फीट 6 इंच × 11 फीट। हॉरिजेंटल लेंथ ये है 11 फीट 6 इंच और ये है 11 फीट, और इसमें दो खिड़कियां हैं घर के सामने, यहाँ पर एक खिड़की और ये लेफ्ट साइड में एक खिड़की वेंटिलेशन के लिए। और ये राइट साइड ये देखिए, ये राइट साइड में है बेडरूम नंबर 3, इसमें 3 बेडरूम है, ये है बेडरूम नंबर 3। साइज है 14 फीट × 11 फीट, लंबाई है 14 फीट, इसका चौड़ाई ये है 11 फीट। वेंटिलेशन के लिए ये राइट साइड में एक खिड़की है, ये वेस्ट साइड में एक खिड़की है, और इसके पास देखिए यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट, और ये कॉमन टॉयलेट का साइज है 7 फीट × 4 फीट 6 इंच। यानी ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है 7 फीट, ये वर्टिकल लेंथ ये है 4 फीट 6 इंच। इसका डोर यहाँ पर है, और ये लेफ्ट साइड में देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर है पूजा घर, और ये पूजा घर का साइज है 7 फीट 2 इंच × 4 फीट 6 इंच। इसका ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है 7 फीट 2 इंच, और इसका वर्टिकल लेंथ ये है 4 फीट 6 इंच। इसका डोर यहाँ पर है, और ये पूजा घर के पीछे यहाँ पर है लिविंग, एक बीच में एक हॉल है, और इसका साइज है 14 फीट 6 इंच × 14 फीट। हॉरिजॉन्टली है 14 फीट 6 इंच और ये वर्टिकली ये है 14 फीट। वेंटिलेशन के लिए ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर एक खिड़की है, और बाहर जाने के लिए यहाँ पर एक डोर भी है। और ये राइट साइड में लिविंग हॉल के राइट साइड में यहाँ पर है बेडरूम नंबर 2, ये है बेडरूम नंबर 3 और ये है बेडरूम नंबर 2, और ये बेडरूम नंबर 2 का साइज देखिए 11 फीट × 14 फीट। 11 फीट है इसका ये चौड़ाई, और इसका लंबाई ये है 14 फीट। और इसका वेंटिलेशन के लिए देखिए राइट साइड में वेस्ट साइड में एक खिड़की है, और ये है उसका अटैच टॉयलेट, यहाँ पर है अटैच टॉयलेट, ये बेडरूम नंबर 2 का ये है अटैच टॉयलेट। साइज है 4 फीट 8 इंच × 6 फीट 9 इंच। 4 फीट 8 इंच ये हॉरिजॉन्टल लेंथ इसका चौड़ाई, और इसका लंबाई ये है 6 फीट 9 इंच। इसका डोर यहाँ पर है, और ये है मास्टर बेडरूम, ये है मास्टर बेडरूम, और ये मास्टर बेडरूम का साइज है 12 फीट × 14 फीट। इसका ये हॉरिजॉन्टल लेंथ 12 फीट, वर्टिकल लेंथ ये है 14 फीट। इसका ये अटैच टॉयलेट है, ये दोनों अटैच टॉयलेट का साइज समान है, 4 फीट 8 इंच × 6 फीट 9 इंच का। और वेंटिलेशन के लिए पीछे साउथ डायरेक्शन में एक खिड़की है, और ये मास्टर बेडरूम के लेफ्ट साइड में है, देखिए यहाँ पर है किचन, और ये किचन का साइज है 8 फीट × 9 फीट 2 इंच। 8 फीट × 9 फीट 2 इंच इसका चौड़ाई ये है 8 फीट, और इसका लंबाई ये है 9 फीट 2 इंच। वेंटिलेशन के लिए ये लेफ्ट साइड में ईस्ट डायरेक्शन में एक खिड़की है, और किचन के पीछे यहाँ पर है वॉशिंग एरिया, और 8 फीट × 4 फीट वाइड का ये है वॉशिंग एरिया, और पीछे लाइट के लिए एक फिक्स ग्रिल है यहाँ पर। ये एक 3BHK हाउस प्लान है,
ये है मास्टर बेडरूम, ये है बेडरूम नंबर टू और ये है बेडरूम नंबर थ्री। ये एक नॉर्थ फेसिंग 3 BHK हाउस प्लान और ये जो वॉल का थिकनेस है 10 इंच का और पार्टीशन वॉल जो टॉयलेट का है बीच में यहाँ पर ये और ये 5 इंच का है। ये है उसका एलिवेशन, 2D एलिवेशन और इसका प्लीन थेरिया देखते हैं। प्लीन थेरिया ऑफ द ग्राउंड फ्लोर है 1613 स्क्वायर फीट इसका प्लीन थेरिया और हेडरूम का प्लीन थेरिया है 136। हेडरूम यानी सीढ़ी घर का प्लीन थेरिया ये है फर्स्ट फ्लोर में जो सीढ़ी घर रहेगा ये सीढ़ी घर का प्लीन थेरिया है 136। तो टोटल प्लीन थेरिया हो जाएगा कितना 1749 स्क्वायर फीट। दोस्तों ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।